चित्रकूट के रहने वाले दो दर्जन मजदूरों को प्रशासन ने कर्नाटक से बधुआ मजदूरी से मुक्त कराया है। मानिकपुर विकास खंड के सरैया ग्राम पंचायत के मजरा विनय नगर काली घाटी के दो दर्जन से अधिक परिवार मजदूरी के लिए कर्नाटक गए हुए थे। वह कर्नाटक के लक्ष्मी नगर सागर थाना संगारेड्डी में दत्तात्रेय नाम के ठेकेदार के साथ मजदूरी के लिए गए थे। इनको बंधक बना जबरन उन लोगों से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही थी। उन्हें ना तो पैसा दिया जा रहा था और ना ही उन्हें घर आने दिया जा रहा था। पैसे मांगने पर ठेकेदार और भट्टा मालिक द्वारा उनके साथ मारपीट की जा रही थी। इसकी सूचना उन्होंने अपने परिजनों को दी थी, जिस पर परिजनों ने उनको मुक्त कराने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई थी, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेकर सभी परिवार को सकुशल उन्हें मुक्त कराकर उन्हें उनके घर भेज दिया है। SDM रमेश श्रीवास्तव का कहना है कि मानिकपुर के विनय नगर काली घाटी के रहने वाले दो दर्जन मजदूर परिवार कर्नाटक में फंसे हुए थे। इनको मुक्त कराने के लिए सरैया चौकी व मानिकपुर कोतवाली पुलिस को उन्हें छुड़ाने के लिए निर्देश दिया गया था। तभी पुलिस के द्वारा कर्नाटक जाकर बंधकों को मुक्त कराने के बाद पुलिस प्रशासन मजदूरों को लेकर मानिकपुर उनके घर छोड़ दिया गया है। ये मजदूर कार्य करने के लिए बाहर गए थे, फिर एक ठेकेदार के पास थे। उसका कहना था कि हमारे पैसे कुछ इनके पास में हैं, वो अगर हमें मिल जाए तब हम इनको छोड़ देंगे। तो वही हमारे जो चौकी इंचार्ज साहब हैं और ग्राम प्रधान बराबर टच में रहे, ठेकेदार का नाम था दत्तात्रेय, उससे बात होती रही और जो भी उसका ड्यूज थे, जायज ड्यूज थे, वो ट्रांजेक्शन किया गया। और उसके बाद उससे बात करते हुए बस और ट्रेन काफ़ी लंबा सफ़र करते हुए लोग अल्टीमेटली अपने घर पर। बहुत खुशी है आने के बाद, बहुत खुशी है, हमारी मदद की और प्रधान ग्राम पंचायत बहुत मदद की हमारी, इसलिए हम आप आए नहीं जाते हैं। कहाँ पर थे आप? हम थे लक्ष्मी सागर। कौन सा स्टेट है? जिला संगठन। क्या काम करते थे? गन्ना काट रहे। तो बंधक बनाए रखे थे आप लोग को? सर हाँ, बंधक ही रहे थे, खाना भर देते थे बस हो गया, और कुछ चीज़ नहीं देते थे। कितने लोग थे आप लोग? हम 22 लोग थे। बच्चे वगैरह? बच्चे चार हैं बच्चे। क्या बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते पुलिस को और अपने ग्राम पंचायत प्रधान को भी।